तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो मध्य भोजन योजना है क्या उसके बदले में हमारे खाते के अंदर पैसे जमा होने वाले और अगर होने वाले हैं तो कितने पैसे जमा होने वाले, ठीक है। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। तो दोस्तों न्यूज़ कुछ इस तरह से निकल कर आ रही है कि राज्य मध्य महाराष्ट्र इमारत विकर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येणाऱ्या बांधकाम कामगार मध्यान्ह भोजन योजनेतील लाभार्थ्यांना मोफत जेवण मोफत भोजन वाटप करण्याऐवजी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये दररोज 125 रुपयाप्रमाणे रक्कम जमा करण्यात यावी अशी मागणी येथील मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे। दोस्तों ये जो मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट है जो कि रफीक भाई पेड़गांवकर इनकी है और ये बहुत अच्छे इंसान है दोस्तों। इन्होंने ही मेरा लेबर कार्ड बनाया था, मुझे तो लेबर कार्ड के बारे में कुछ पता भी नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह की स्कीमें आती रहती है, आप बना दो, तो इन्होंने मेरा लेबर कार्ड बनाया था। दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि ये जो मध्य भोजन योजना है इसका कुछ घपला हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है मालूम क्या, कि ये लोग खाना तो दे रहे हैं, दो टाइम का खाना है जो कि एक थाली जो हमको पड़ रही है वो 62 रुपये की, उन्होंने बताया है कि एक थाली 62 रुपये की पड़ रही है। तो इस तरह से 120 रुपये के हो जाते हैं दिन भर के अंदर, तो महीने के अगर लगाएंगे हम तो 3000 से ज़्यादा रुपये कुछ हो जा रहे हैं उसके। तो दोस्तों क्या आपको भी मध्य भोजन योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि मध्य भोजन योजना ही मिलनी चाहिए हमको, खाना ही मिलना चाहिए, फिर अपने हमारे खाते में 3000 रुपये हर महीने को आ जानी चाहिए, इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस पेपर की कटिंग मैं अपने पोस्ट में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख लीजिए और पूरी न्यूज़ देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलता हूँ नए एक वीडियो के साथ।